सुप्रभात बच्चों। तो आज हम हिंदी कक्षा की पहली लिखित क्लास से शुरुआत करेंगे। इसमें आज हम देखेंगे अ अक्षर की बनावट किस प्रकार करनी है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं अ से आरंभ होने वाली कुछ वस्तुएं। चलिए, अ अनार, अ अलमारी, अ अदरक, अ अखरोट, अ अमरूद। पेरेंट्स, आपने देखा मैंने बच्चों को किस तरीके से समझाया, अ अनार, अ अलमारी, अ अखरोट, अ अदरक। आपसे निवेदन है कि प्लीज आप भी बच्चों को इसी तरीके से बताइए, ना कि अ से अलमारी, अ से अदरक, अ से अखरोट, इस तरीके से नहीं बताना है। चलिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं। अ अनार, अ अलमारी, अ अदरक, अ अखरोट, अ अमरूद। अक्षर की लिखावट के लिए हम बड़े स्क्वायर्स की कॉपी को लेंगे। अगर आपके पास अभी बड़े स्क्वायर्स की कॉपी नहीं है, तो जिस तरीके से मैंने प्लेन पेपर लिया है और उसमें बड़े बड़े से स्क्वायर्स बना दिए हैं समझाने के लिए, तो आप ये कर सकते हैं। इससे बच्चों को जो है मदद मिलती है लिखावट सही करने में। और ये दो चित्र आपको बनाने हैं, अ अलमारी और अ अनार, और इसे बच्चों को दें, इसमें वो रंग भरेंगे। चलिए हम देखते हैं अ अक्षर की लिखावट किस तरीके से करनी है। पहले एक हाफ सर्कल, एक और हाफ सर्कल, इसे थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएंगे बच्चों, और इसके बीच में से निकालेंगे एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन, इसके सामने एक स्टैंडिंग लाइन, और सिर्फ इस स्टैंडिंग लाइन के ऊपर बनेगी एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन। बन गया हमारा अ। अच्छा बच्चों, आपको सिर्फ ये टॉप लाइन टच करनी है, ये ऊपर की रेखा टच करनी है, ठीक है। हमें ये नीचे वाली लाइन जो है बॉटम लाइन, नीचे की रेखा को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। और अक्षर ऐसे नहीं लिखना है कि ये टॉप लाइन भी टच करे और ये बॉटम लाइन भी टच करे, और हमारे स्क्वायर से अक्षर बाहर नहीं जाना चाहिए। हम फिर से देखते हैं किस तरीके से बनाना है। हाफ सर्कल, एक और हाफ सर्कल, थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएं, बीच में से एक स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन, और स्टैंडिंग लाइन के ऊपर एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन, ठीक है। इसी तरीके से हमें पूरा पेज कंप्लीट करना है, ठीक। और पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है कि अगर बच्चे बॉटम लाइन को टच करते हैं या बॉक्स से बाहर निकालते हैं, तो तुरंत रब कर दीजिए। इससे क्या होगा, उनका माइंडसेट हो जाता है कि अगर हमने गलत किया तो मम्मी या फिर पापा जो हैं वो तुरंत रब कर दें, तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा जो लेटर है वो बॉक्स से बाहर नहीं निकले। इस तरीके से आपको पूरा पेज कंप्लीट करवाना है और ये दो चित्र बच्चों को बना कर देने हैं जिसमें वो रंग भरेंगे, अ अलमारी, अ अनार, और पूरा पेज आपको ये कंप्लीट करवाना। थैंक यू। सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का आ अक्षर। हम देखते हैं हिंदी के आ अक्षर की बनावट किस तरीके से करनी है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कुछ वस्तुएं जो प्रारंभ होती हैं आ अक्षर से। आ आम, आ आग, आ आटा, आ आलू। पेरेंट्स को मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगी, हमें किस तरीके से बच्चों को सिखाना है, आ आम, आ आग, आ आलू, आ आटा, ना कि आ से आम, आ से आलू, आ से आग, और आ से आटा, ठीक है। एक बार फिर से हम आ अक्षर से प्रारंभ होने वाली सारी वस्तुएं देखते हैं। आ आम, आ आग, आ
आटा, आ आलू। पेरेंट्स को ऐसे आ अक्षर बनाकर देना है बच्चों को, और बच्चे उसे कॉपी करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में आप उन्हें आम का चित्र और आग का चित्र बनाकर देंगे, जिसमें कि वो रंग भरेंगे। आ अक्षर की बनावट किस तरीके से होनी है चलिए अब बताते हैं। इसमें बनाएंगे हाफ सर्कल, एक और हाफ सर्कल थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएंगे, बीच में से निकालेंगे एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन और दूसरी भी स्टैंडिंग लाइन। अ में हम बनाते थे एक स्टैंडिंग लाइन और आ में हम बनाएंगे दो स्टैंडिंग लाइन, और इसके ऊपर बनेगी, सिर्फ स्टैंडिंग लाइन के ऊपर बनेगी छोटी सी स्लीपिंग लाइन। फिर से देखिए, एक हाफ सर्कल, एक और हाफ सर्कल थोड़ा सा ऊपर लेकर गए, बीच में से एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन और एक और स्टैंडिंग लाइन, ठीक है, और इन दोनों स्टैंडिंग लाइंस के ऊपर एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन। बच्चों मैं फिर से दोहरा रही हूं, आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि हमारा अक्षर जो है वो सिर्फ टॉप लाइन को टच करे और बॉटम लाइन को बिल्कुल भी नहीं, और हमारे बॉक्स के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा पेज कंप्लीट करवाना है और इन दोनों चित्रों में रंग भरना है। सुप्रभात, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का ई अक्षर, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं ई अक्षर से शुरू होने वाली कुछ वस्तुएं। ई इमली, ई इमरती, ई इंजन, ई इत्र, ई इंद्रधनुष। अब आइए देखें ई अक्षर की बनावट किस तरीके से करनी है। लेकिन पेरेंट्स, आपको पहले लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरीके से इमली का चित्र बनाना है और इस तरीके से इमरती का, बच्चे इसमें रंग भरेंगे। अब देखिए, पहले सबसे पहले एक स्लीपिंग लाइन, फिर एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, एक हाफ सर्कल, टर्न करके एक और हाफ सर्कल थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएं और टेल निकाल दें, एक स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल, टर्न करके दूसरा हाफ सर्कल थोड़ा ऊपर जाएं और टेल निकाल दें, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल, टर्न करके दूसरा हाफ सर्कल ऊपर जाएं और टेल निकाल दें, ठीक है। इस तरीके से पूरा पेज फिनिश करना है, अक्षर बॉक्स की नीचे वाली रेखा को टच ना करे, सिर्फ ऊपर वाली रेखा को टच करे, और साइड में एक साइड की लाइंस को भी टच ना करें, ना ही उनके बाहर जाए, ठीक है बच्चों। इस तरीके से पूरा पेज फिनिश करवाना है और इन चित्रों में रंग भरवाना है। सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का ई अक्षर, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं कुछ वस्तुएं जो शुरू होती हैं ई अक्षर से। ई ईक, ई ईट, ई ईश्वर, ई ईदगाह। अब हम देखते हैं ई अक्षर की बनावट किस तरीके से करनी है, लेकिन इससे पहले पेरेंट्स, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरीके से ईक का चित्र और ईंट का चित्र बनाना है, जिसमें कि बच्चे रंग भरेंगे। अब आइए देखें इसकी लिखावट किस तरीके से करनी है। बच्चों पहले बनाएंगे हम एक स्लीपिंग लाइन, एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, एक हाफ सर्कल, टर्न करके दूसरा हाफ सर्कल थोड़ा सा ऊपर लेकर गए और टेल निकाल दी। अब ऊपर लगाएंगे मात्रा, कैसे, एक हाफ सर्कल, ठीक है। फिर से देखते हैं, एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, एक हाफ सर्कल,
टर्न करके दूसरा हाफ सर्कल ऊपर लेकर गए और टेल निकाल दी, ठीक है, और ऊपर लगाएंगे मात्रा हाफ सर्कल, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपको पूरा पेज कंप्लीट करना है। और जैसे कि मैम आपको हमेशा बताती है ना कि बॉक्स के बाहर नहीं निकलना चाहिए, साइड की लाइंस को टच भी नहीं करना चाहिए, है ना, बॉक्स के बाहर मत निकालें और नीचे वाली लाइन भी टच ना करें, साइड की लाइंस भी टच ना करें, ठीक है, ओके। सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का उ अक्षर। पहले हम देखते हैं उ अक्षर से आरंभ होने वाले कुछ वस्तुएं। उ उल्लू, उ उपहार, उ उपवन, उ उतर। पेरेंट्स, आपको कॉपी में उल्टे हाथ पे दो चित्र बनाने हैं, एक उ उल्लू और दूसरा है उ उपवन, इस तरीके से, और इसे बच्चों को देना है, वो इसमें रंग भरेंगे। आइए देखते हैं हम उ अक्षर की लिखावट किस तरह करनी है। पहले एक स्लीपिंग लाइन ऊपर टॉप लाइन पे और एक हाफ सर्कल, दूसरा हाफ सर्कल थोड़ा सा ऊपर लेकर जाए, ठीक है, बहुत आसान है बच्चों। एक स्लीपिंग लाइन, एक हाफ सर्कल, एक और हाफ सर्कल थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएं, इसी तरीके से पूरा पेज फिनिश करना है। और इस बात का पूरा ध्यान देना है कि हम बॉटम लाइन को टच ना करें और ना ही अपना अक्षर बॉक्स से बाहर निकालें। आज हम पढ़ेंगे ऊन। सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ऊ ऊ ऊन। लेकिन इससे पहले देख लेते हैं कुछ और शब्द जो शुरू होते हैं ऊ से। तो बच्चों, अब देखते हैं उ अक्षर की लिखावट किस तरीके से करनी है। पहले हम बनाएंगे एक हाफ सर्कल, फिर एक और हाफ सर्कल, उसे थोड़ा सा ऊपर लेकर गए, ठीक है, और निकाल दी टेल, बन गया उ। ऊपर से बना दें स्लीपिंग लाइन, फिर से देखते हैं, हाफ सर्कल, एक और हाफ सर्कल थोड़ा सा ऊपर लेकर गए और निकाल दी इसकी टेल, और ऊपर बना दी स्लीपिंग लाइन, बन गया हमारा ऊ। अब हमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना होता है ना, किस बात का, कि अक्षर जो है हमारी साइड लाइंस को टच ना करे, ना ही हमारी बॉटम लाइन को टच करे। तो इस तरीके से आप अपना पूरा पेज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और पेरेंट्स, आपको बना के देना है ऊन का इस तरीके से एक चित्र जिसमें कि बच्चे रंग भरेंगे।